नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी बकेट में। आज हम आपको लेके आए हैं एक नए प्रोजेक्ट में जिसका नाम है वंशिका ग्रीन्स, जो कि सहस्त्रधारा रोड में मसूरी बाईपास में लोकेटेड है। आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे खूबसूरती इस प्रोजेक्ट की, आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में पूरा हिल व्यू मिलता है, 270 डिग्री का हिल व्यू मिलता है आपको। बात करेंगे प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट के आगे जो आपकी रोड है 60 फीट की रोड पूरे प्रोजेक्ट के आगे हमारे को मिल जाती है। आओ आपको एक बार मैं अंदर लेके चलता हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट में, कैसा प्रोजेक्ट है आइए। दोस्तों, जैसे कि हमारे काफ़ी दर्शकों की क्वारी आई थी 1 BHK की, तो आज हम आपको लेके आए हैं वंशिका ग्रीन्स पे, जिसमें कि 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK अपार्टमेंट्स उपलब्ध हैं। आगे देख सकते हैं आप 60 फीट की पूरी चौड़ी रोड है इसमें, जो कि मसूरी बाईपास से अंदर आ रही है, पूरी 60 फीट की रोड आ रही है। आइए देखते हैं पूरे प्रोजेक्ट को। दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने नए प्रोजेक्ट वंशिका ग्रीन में, जो कि सहस्त्रधारा रोड में मसूरी बाईपास में लोकेटेड है। आप देख सकते हैं इसका पैसेज, काफ़ी बड़ा पैसेज, 1-3 BHK सारे यहाँ पे इस समय साइजेस अवेलेबल हैं, पैसेज काफ़ी अच्छा है। आइए पहले देखते हैं हम अपना 3 BHK। दोस्तों, ये है हमारा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया, काफ़ी अच्छा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया है हमारा, आप देख सकते हैं। इस डाइनिंग एरिया के साथ हमारी पूरी बालकनी अटैच है, जो कि काफ़ी वाइड और चौड़ी बालकनी है। आप देख सकते हैं इस बालकनी के बाहर जो व्यू आपको दिख रहे हैं, पूरा मसूरी का व्यू, पूरे पहाड़, चारों तरफ के पूरे पहाड़ यहाँ से दिखाई दे रहे हैं आपको, बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से। ये पूरी जो बालकनी है पूरी एल शेप में रनिंग बालकनी है, आइए एक बार आपको बालकनी दिखाते हैं। ये पूरी बालकनी हमारी एल शेप में रनिंग जा रही है, जो कि एक बेडरूम में यहाँ पे आके मिल रही है। फिर ये इस बेडरूम की बालकनी हो गई। दोस्तों, आइए दिखाते हैं आपको अपना फर्स्ट बेडरूम। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम, जिसको हम लोग गेस्ट बेडरूम ही बोल सकते हैं। एंट्री के साथ ही एक पूरा हमारा बेडरूम आ जाता है। बेडरूम के साथ हमारे पास यहाँ पे एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है। ऊपर फॉल सीलिंग आप जैसे देख रहे हैं, आपको दिख रही है फॉल सीलिंग मिल जाती है, आपको ये वार्डरोब मिल जाता है। सामान रखने के लिए काफी स्पेशियस। इस गेस्ट रूम के बाद मैं आपको लेके चलता हूं अपने किचन में। ये किचन डाइनिंग के साथ अटैच है, पूरा हमारा किचन हो गया। किचन भी अगर देखें आप, स्पेस काफी स्पेशियस किचन है हमारा, पूरा मॉड्यूलर किचन तैयार होगा। ये एक ये हमारा कॉमन वॉशरूम हो गया, कॉमन वॉशरूम के साथ हमारा एक ये बेडरूम हो गया। ये हमारा सेकंड बेडरूम है, जैसा आप देख सकते हैं। इस बेडरूम के साथ आपकी छोटी सी एक बालकनी मिल जाती है आपको, छोटी सी बालकनी है। इसके साथ आपका डक्ट है, जो कि इस बालकनी से आपको आगे के पहाड़ काफी अच्छे दिखते हैं। आइए दोस्तों, ये है हमारा तीसरा बेडरूम। इस बेडरूम को अगर आप देखेंगे तो बेडरूम भी काफी अच्छा स्पेशियस बेडरूम है। बेडरूम के साथ आपको पूरा ये वार्डरोब मिल जाता है, बेडरूम के बगल में स्विचेस मिल जाते हैं, बेड के बगल में आपको स्विचेस मिल जाते हैं। इसके साथ हमारे पास एक अटैच वॉशरूम है, जिसमें कि अभी काम चल रहा है ये अटैच वॉशरूम। जैसा कि मैंने बताया, ये आपका वार्डरोब, स्पेशियस वार्डरोब, आपकी फॉल सीलिंग, इसके साथ अटैच हमारी ये जो रनिंग बालकनी है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ये बालकनी पूरी रनिंग बालकनी है। अगर आप यहां से भी देख सकते हैं तो पूरा आपको देखेगा पहाड़ का व्यू, बहुत ही सुंदर पहाड़ का व्यू। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा 3 BHK, जो कि मैंने आपको जिसका टूर कराया अभी। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने 1 BHK में, जो कि इसी टावर में, टावर 1 में है। आइए, दोस्तों आओ दिखाते हैं आपको 1 BHK कैसा है। यहां ये आपकी एंट्रेंस हो गई, एंट्रेंस में ये पूरा आपका ड्राइंग और डाइनिंग एरिया हो गया। यहां पे आपको एक किचन मिल जाएगा,
इसके साथ आप देख रहे हैं अटैच काफ़ी बड़ी बालकनी, जिससे कि पूरा सिटी व्यू दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ों का पूरा सिटी का व्यू यहाँ से आता है। ये बालकनी अटैच है हमारे बेडरूम के साथ भी। ये काफी स्पेशियस हमारा 1 BHK का बेडरूम हो गया। बेडरूम के साथ ये हमारा वार्डरोब हो गया और इसके साथ हमारा अटैच एक वॉशरूम हो गया। दोस्तों जो हमारे 1 BHK के एरिया जो शुरू हो रहा है वो 760 स्क्वायर फीट से है स्टार्ट। 760 स्क्वायर फीट, 810 स्क्वायर फीट और 1046 स्क्वायर फीट हमारा 1 BHK यहाँ पे अवेलेबल हमारे पास है। और 3 BHK के अगर मैं बात करूँ तो 3 BHK जो हमारा स्टार्ट 1350 स्क्वायर फीट से लेके 1910 स्क्वायर फीट और 2350 स्क्वायर फीट तक हमारे 3 BHK यहाँ पे अवेलेबल है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं इसके टेरेस पे। टेरेस में मैं बात करूंगा पेंट हाउस की। यहाँ पे पेंट हाउस भी है जो कि ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं, जिसमें से कि एक पेंट हाउस अभी अवेलेबल है यहाँ पे हमारे पास। इसके बगल में हमारी सेकंड टावर आ रहा है जिसमें कि 2 BHK 3 BHK अवेलेबल हैं। साइज मैंने आपको बता दिया 1350 स्क्वायर फुट, 2400 स्क्वायर फुट, 2300 स्क्वायर फुट, 1900 स्क्वायर फुट के हमारे 3 BHK भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। और बात करूँगा व्यूज की। व्यूज़ अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं। कितना प्यारा व्यू पूरे हिल्स का। इको फ्रेंडली जगह है ये पूरी, पॉल्यूशन फ्री एरिया है ये पूरा। दोस्तों देख सकते हैं मसूरी आपको कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ से बिल्कुल पास दिखाई दे रहा है मसूरी। ये हमारा नॉर्थ साइड में है, ये रहा मसूरी हमारा। मसूरी से लगते हैं पूरे पहाड़, बहुत ही सुंदर व्यू। दोस्तों अब मैं बात करना चाहूँगा यहाँ आसपास क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे बगल में आपके मैक्स हॉस्पिटल मिल जाता है आपको 5 मिनट की ड्राइव में। स्कूल कॉलेजेस बिल्कुल आपको अगल बगल मिल जाते हैं। आप रोड में निकलते साथ आपको सारी चीज़ें, घर की जितनी भी चीज़ें होती हैं आपको सारी चीज़ें रोड में निकलते साथ मिल जाती हैं। कहने का मतलब ये है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, अगर आप खुद रहना चाहें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है ये चीज़। दोस्तों अपना प्यार और अपना स्नेह अपने इस YouTube चैनल पर ऐसे ही बरकरार रखिएगा, ऐसे ही बनाए रखिएगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। इस अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।